प्रिय दर्शकों, CUET सामान्य हिंदी भाषा खंड के एक और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं ए जयदेव, बी चंदबरदाई, सी जगनिक या फिर डी विद्यापति। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी चंदबरदाई। आप में से बहुत से लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। चलिए आरंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न है जिसमें दिए गए विकल्पों में से आपको सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। तो प्रश्न है, सत्य और अहिंसा का संबंध है। विकल्प है ए भीषण, बी विकट, सी घनिष्ठ या फिर डी निकट। विकल्प सी घनिष्ठ। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। विकल्प है ए उन्नति, बी उन्नति, सी उन्नति या फिर डी उन्नति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उन्नति। अगला सवाल, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बह, हाव, आव या फिर आवा। तो सही उत्तर है विकल्प सी आव। अगला प्रश्न, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम, यानी कि विकल्प सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है अश्व, घोटक, हय या फिर कटक। विकल्प डी कटक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो सब कुछ जानता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या फिर कृतज्ञ। सही उत्तर होगा विकल्प बी सर्वज्ञ। अगला सवाल मुहावरे से संबंधित है, ईद का चांद होना। मुहावरे का अर्थ है विपत्ति आ जाना, कभी कभी दिखना, भेद खोलना या फिर निगरानी रखना। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी कभी कभी दिखना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तिक्त शब्द का तद्भव है तीता, तीखा, तिक्ता या फिर तीखन। सही जवाब है ऑप्शन ए तीता। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है चक्षु, लोचन, अक्षी या फिर दृष्टि। सही उत्तर होगा विकल्प डी दृष्टि। दसवां और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चेतन, चंचल या फिर जंगम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी जंगम। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। विकल्प है ए य र ल व, बी
आ ई ई ऊ सी श श स ह या फिर डी ह श त्र ग्य। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको हमारी ये पहल कैसी लग रही है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।